प्यारे बच्चों, आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आप जानते ही हैं, हम अपना नवा पाठ कर रहे थे। हमारा नवा पाठ है क्रिया। तो हम लोगों ने इसको इसके अभ्यास प्रश्न लगभग कर लिए हैं। दो अभ्यास प्रश्न बचे हैं, लेकिन उसको करने से पहले हम अपनी परिभाषा पे आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमें परिभाषा बार बार लगातार याद करते रहनी चाहिए ताकि हम उसे भूले नहीं। तो हमारी क्रिया की परिभाषा अब आपको याद हो गई होगी और इसे आपने अपने नोटबुक में भी लिखा होगा। तो बच्चों, एक बार फिर से बताइए, क्रिया की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। तो ये हमारी परिभाषा है और हमने इसके उदाहरण आपको बताए थे कि हम वाक्य में से कैसे क्रिया को पहचानते हैं। और जो क्रिया कुछ शब्द होते हैं, जैसे हंसना, चलना, रोना, दौड़ना, खाना, पीना, सोना, ये सब क्रिया है। जैसे सोना, सोना भी एक क्रिया शब्द है। इससे हमें पता चलता है कि सोने की क्रिया हो रही। तो बैठना भी क्रिया है, बैठना भी एक काम है। इससे पता चलता है कि बैठने का काम हो रहा है। सोने का मैंने आपको बताया, सोना भी एक क्रिया शब्द। अब आ जाते हैं वाक्य में। वाक्य में कैसे पहचाने कि क्रिया क्या? तो वाक्य में क्या हम देखेंगे कि हमें उन शब्दों को पहचानना है जिससे कि उस वाक्य में काम होने का या करने का पता चल रहा है। तो हमने जैसे कहा, रवि तेज दौड़ता है, तो दौड़ता है यहां पे क्रिया शब्द। वाक्य क्या है, एक बार इसका उदाहरण मैं लिख के आपको बताता हूं। रवि तेज दौड़ता है। तो बच्चों, यहाँ पे रवि संज्ञा हो गया और दौड़ता है क्रिया। रवि की कौन सी क्रिया कर रहा है? दौड़ने की क्रिया कर रहा है। तेज हो गया विशेषण, कैसे दौड़ रहा है? तेज। तो तेज क्या हो गया? विशेषण। तो अब हम क्रिया के शब्द को भी पहचानने लगे हैं और वाक्य में से भी हम क्रिया शब्द को पहचान लेते हैं। ये कैसे हमें पता चला? इसमें हमें परिभाषा ने हमारी मदद की। परिभाषा क्या कहता है? जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे दौड़ना, दौड़ता है, ये क्या है? क्रिया शब्द है। क्यों? यहाँ दौड़ने का काम किया जा रहा है। किसके द्वारा? रवि के द्वारा। तो रवि क्या हो गया? संज्ञा है, किसी का नाम है, किसी बच्चे का नाम। तो और तेज हो गया विशेषण, किस तरह से दौड़ता है, दौड़ने की क्या विशेषता है, धीरे कि तेज? तेज। तो ये था, हमने एक बार परिभाषा उदाहरण के साथ कर ली और हम अब पहचान गए हैं कि हम क्रिया को शब्द के रूप में भी पहचान गए हैं और वाक्य के रूप में। तो हमारा यही प्रश्न है बच्चों कि क्या हम वाक्य में से क्रिया शब्द छांट सकते हैं? हमारा तीसरा प्रश्न यही तो है। तो हम इसे एक बार फिर से आपको लिख के बताते हैं कि हम वाक्य में से क्रिया शब्द को पहचान सकते हैं, छांट के अलग लिख सकते हैं। तो हम अपना तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं और आप भी अपनी व्याकरण की पुस्तक निकाल लें और मेरे साथ साथ आप भी करें ताकि आपको और अच्छी तरह से ये याद होते जाए। तो हम अपने पृष्ठ संख्या 34 पे हैं बच्चों। और प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न मैं एक बार पढ़ देता हूँ। नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया छांटो। तो छांट करके हमें अलग लिखना है।
वाक्य पहले दिया हुआ है और जगह खाली स्थान जो है वो भी दिया हुआ है, जहाँ पे हम केवल क्रिया को छांट करके लिखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया छांटो। नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया छांटो। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले पंक्ति लिखूंगा, जो वाक्य जो है वाक्य दिया है उसको लिखूंगा, और उसके बाद में हम खाली स्थान पे उसमें क्रिया छांट करके लिखेंगे। तो मुझे तो लिखना है, आपको तो बुक में दिया गया है, मैं लिखता हूं पहला वाक्य, मां पहला वाक्य है, मीरा नाच रही है। मीरा नाच रही है। अब मैं यहां पे हमें क्रिया छांट के लिखनी है। मैं सभी चारों वाक्यों को पहले लिख देता हूं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में क्रिया शब्द को छांट के लिखेंगे। तो ये ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, हमने पहले भी अभ्यास किया था, तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। मैं दूसरा वाक्य भी लिख देता हूं। हाँ, हमारा दूसरा वाक्य है, मुझे किताब दो। मुझे किताब दो, पूर्ण विराम। तीसरा वाक्य है, पिताजी बाजार से आए। पिताजी बाजार से आए। पिताजी बाजार से आए। चौथा वाक्य है, कुत्ता भौंकता है। तो बच्चों हमने चारों वाक्य लिख दिए हैं, अब हम चलते हैं एक एक करके सभी वाक्यों को पहले पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लिखा गया है, और हमें क्रिया शब्द पहचानना है, वाक्य में से क्रिया शब्द पहचानना है। अब हम लोग चलते हैं, तीसरा है हमारा, मीरा नाच रही। तो यहाँ पे कौन सा काम किया जा रहा है, जब भी आप कभी कोई वाक्य पढ़ो, वाक्य पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसमें से क्रिया शब्दों को जो कौन सा काम हो रहा है वो देखो। तो पहले वाक्य में हमने देखा नाचने का काम या नाचने की क्रिया हो रही, किसके द्वारा, मीरा द्वारा। तो मीरा नाच रही है, तो नाच रही है क्रिया शब्द। हमें पता चलता है कि मीरा द्वारा नाचने का काम या नाचने का कार्य हो रहा है, तो काम या कार्य क्रिया कहलाता है। तो हम लिखते हैं, तो क्रिया शब्द को मैं
लाइन खींच देता हूं ताकि आपको पता चलता रहे, और यहां पे मैं क्रिया शब्द को लिख भी देता हूं। तो लिखेंगे नाच रही है, तो ये शब्द है बच्चों, ये वाक्य नहीं है, ये हमने क्रिया को छांट के लिख दिया। वाक्य तो एक था, ये था वाक्य, पूर्ण विराम पे समाप्त होता है, खत्म होता है, लेकिन ये क्रिया है, तो मैंने इसको लाल रंग से लिखा है। आपको भी यही लिखना, आपको अपने व्याकरण के पुस्तक में यही लिखना है, और रेखा नीचे खींचनी है, नाच रही है और जगह दिया हुआ है, आपको अपने व्याकरण के पुस्तक पे पेंसिल से ही लिखना है। कोई बच्चा पेन का प्रयोग कभी नहीं करेगा। अब मैं दूसरे वाक्य पे चलता हूँ, इसको फिर से पढ़ते हैं। मुझे किताब दो, मुझे क्या है, अरे ये तो सर्वनाम है, किताब संज्ञा है, दो तो यहाँ पे देने का काम हो रहा, तो देना भी क्रिया है। मैंने आपको एक बार बताया था, लेना देना, जागना सोना बैठना, ये सब क्रिया है। कोई ये नहीं कह सकता कि सो रहा है तो वो क्या काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं, सोने में भी सोने की क्रिया हो रही, देने में भी देने की क्रिया हो रही, तो यहाँ पे क्रिया शब्द है दो। तो हम इसको रेखा खींचा और यहाँ लिखा दो। वाक्य को ध्यान से देखना है, मुझे किताब दो, तो मुझे सर्वनाम हो गया जो संज्ञा के स्थान पर आता है, किताब है ये वस्तु है, ये भी ये संज्ञा है, और दो एक क्रिया है, यहाँ देने का कार्य किया जा रहा है, इसीलिए हमने दो को छांट करके अलग लिख दिया। मेरे ख्याल से अब आपको सब धीरे धीरे समझ आ रहा होगा, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पहले हमें वाक्य को कम से कम एक या दो बार पढ़ना है, उसके बाद ये देखना है कि यहाँ के पे कौन सा काम हो रहा है, यहाँ पे कौन सा काम या कौन सा कार्य हो रहा है। क्रिया का मतलब ही होता है जिससे कोई काम या किसी क्रिया के किसी की काम होने का पता चलता है, बोध होता है, ज्ञान होता है, वो क्रिया कहते हैं। तो हमें देखना है यहाँ काम क्या हो रहा है, तो यहाँ देने का काम कर रहा है, तो दो क्रिया शब्द है। अब हम अपने तीसरे वाक्य पे चलते हैं। हमारा तीसरा वाक्य है, पिताजी बाजार से आए, पिताजी बाजार से आए, तो क्या है इसमें क्रिया शब्द देखना है। पिता तो संज्ञा हो गया, बाजार भी संज्ञा है क्योंकि कोई जगह का स्थान का नाम है, यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, आने का, तो क्या बोलेंगे हम, आए, आना और जाना ये भी काम है, आना जाना लेना देना ये सब काम में आता है, इसीलिए कभी घबराना नहीं है कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। यहाँ बाजार से आए, आने का काम हुआ, कहाँ से, बाजार से, किसके द्वारा, पिताजी के द्वारा, तो यहाँ पे क्रिया शब्द है आए। आए अब हम अपने चौथा, हमारा चौथा वाक्य है, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता संज्ञा है किसी जीव का नाम, भौंकता है तो भौंकना भी एक काम है, जैसे बोलना मनुष्य बोलता है, कुत्ता भौंकता है, तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, भौंकने का काम, किसके द्वारा हो रहा है, कुत्ते द्वारा, एक ही कुत्ता है, कुत्ता भौंकता है, तो भौंकता है क्रिया शब्द है, यहाँ पे भौंकने का काम किया जा रहा है कुत्ता द्वारा, तो ज़्यादा तो मुश्किल नहीं है, हमें क्रिया शब्द पता चल जाता है, एक बार पढ़ने की आवश्यकता है। तो हम लिखते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, रेखांकित कर देते हैं, अंडरलाइन का क्या हिंदी अर्थ होता है, रेखांकित,
अब इसको छांट के लिखना है, अलग लिखना है। भौंकता है और यहां पे आपने ध्यान से देखा हो कि मैंने यहां पूर्ण विराम नहीं लगाया, यहां भी पूर्ण विराम नहीं लगाया है, कहीं पूर्ण विराम नहीं लगाया। क्यों बच्चों? क्योंकि ये तो वाक्य नहीं है, ये तो वाक्यांश है, वाक्य का हिस्सा, वाक्य का भाग, इसीलिए इसे वाक्यांश कहा जाता है। और वाक्यांश के पीछे हमें पूर्ण विराम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, वाक्य के पीछे तो जरूर लगाना, ये सब वाक्य है, तो यहाँ पे हमने पूर्ण विराम लगाया है। मुझे मीरा नाच रही है, ये वाक्य है पूर्ण विराम। मुझे किताब दो, वाक्य है पूर्ण विराम। पिताजी बाजार से आए, पूर्ण विराम। कुत्ता भौंकता है, पूर्ण विराम। लेकिन ये सब वाक्यांश, वाक्य का अंश, या फिर हम कह सकते हैं वाक्य के शब्द हैं, वाक्य का भाग है, इसीलिए यह वाक्य नहीं है। और वाक्य नहीं है तो पूर्ण विराम भी हमें नहीं लगाना है। तो इसीलिए नाच रही है, कोई पूर्ण विराम नहीं है। दो यहां देने, दो दो क्या है, क्रिया शब्द है, आए क्रिया है, कोई पूर्ण विराम नहीं यहां भी। भौंकता है, कोई पूर्ण विराम नहीं लगाया। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए हो कि अब हम वाक्य में से भी कैसे क्रिया शब्द को पहचान सकते हैं, छांट के भी अलग लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने अपने तीसरे प्रश्न में किया। तो यह कोई मुश्किल काम नहीं, तो अभ्यास करके हमने क्रिया शब्द को पहचाना। शुरू शुरू में आपको चित्रों की सहायता से भी बताया गया था, दौड़ने का चित्र बनाया गया था, तो आपको पता चला कि दौड़ना क्रिया होता है, दौड़ने का काम हो रहा है। उसी तरह तैरना, उड़ना, रोना, हंसना, खेलना, कूदना, नाचना, ये सब क्रिया के शब्द थे। और सबसे मुश्किल होता है, उससे ज़रा सा मुश्किल तो कभी नहीं कहेंगे हम, ये भी आसान है, लेकिन हमें अभ्यास की ज़रूरत है। हम वाक्य में से क्रिया शब्दों को कैसे पहचान लेते हैं, ये हमें आना चाहिए। तो आज हमने वाक्य में से क्रिया शब्दों को पहचान करके लिखा है। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न। उदाहरण के अनुसार क्रिया का रूप बदलकर खाली स्थान भरो। तो यहां पे हमें क्रिया शब्द दे रखी है, ध्यान से देखो बच्चों। सुनाना, सुनाना भी एक क्रिया है, बोलना, सुनना, सुनाना, ये सब क्रिया है। जाना, जैसे मैंने पिताजी बाजार से आए, आना और जाना दोनों क्रिया ही है। सोना, लिखना, ये सब क्रिया शब्द। तो हमें क्या करना है, हमें किसके अनुसार, संज्ञा के अनुसार क्रिया बदल जाता है। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, आपको याद होगा, संज्ञा के हिसाब से क्रिया भी बदल जाता है। जैसे लड़की दौड़ती है लेकिन लड़का दौड़ती नहीं है, क्या लिखेंगे, लड़का दौड़ता है, तो क्रिया बदल गया। अगर लड़की का प्रयोग किया संज्ञा में तो क्रिया क्या हो गया, लड़की दौड़ती है, लेकिन अगर लड़का लिखा तो लड़का दौड़ता है। हमने देखा क्रिया बदल जाती किसके अनुसार, संज्ञा के अनुसार, संज्ञा के लिंग के अनुसार। तो ये हमने सीखा, अब हमको उसी तरह क्रिया लिखनी। तो हमें संज्ञा पता चलेगा, संज्ञा की लिंग पता चलते ही क्रिया को भी उसी के अनुसार बदल करके लिखेंगे। तो हम करते हैं अपना चौथा प्रश्न, बहुत ही आसान, कोई इसमें मुश्किल तो है ही नहीं। तो मैं इसको पहले मिटा देता हूं, फिर हम लिखेंगे। हमारा चौथा प्रश्न है, उदाहरण
उदाहरण के अनुसार क्रिया का रूप बदलकर खाली स्थान भरो। उदाहरण के अनुसार के अनुसार क्रिया का रूप बदलकर क्रिया का रूप बदलकर खाली स्थान भरो। तो पहला मैं लिखता हूं, इसमें सुनाना लिखा हुआ है, चलो हम यही करते हैं। सुनाना जो लिखा है इसको पहला मान लेते हैं। सुनाना वाक्य क्या है? माँ कहानी सुनाती है। तो हमने देखा क्रिया क्या लगा, अगर स्त्रीलिंग शब्द है, अगर क्या है स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे माँ स्त्रीलिंग है हमें पता है, तो माँ कहानी सुनाती। अगर यहाँ पिता या दादा होते तो पिता कहानी सुनाते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्रिया उदाहरण के अनुसार क्रिया का रूप बदल गया। अगर स्त्रीलिंग होता है तो हम सुनाती लिखते हैं। अब हम जाना, मैंने अभी आपको बताया था ठीक वैसा ही है, लिंग के अनुसार क्रिया कैसे बदल जाती है उसको देख लेते हैं। हमारा दूसरा है जाना, आना जाना ये क्रिया के शब्द है हमें पता है। सीता बाजार अब क्रिया क्या है? जाना। तो सीता क्या है? स्त्रीलिंग है बच्चों, क्या है? स्त्रीलिंग। तो यहां पे हम लिखेंगे जाती है। क्यों? क्योंकि सीता स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहां पे जाना हम उसको क्या लिखते हैं? जाति किया जाए, क्या कहेंगे? जाति लिखा जाएगा। अगर सीता की जगह मान लेते हैं यहां पे राम होता या रवि होता, कोई लड़का होता, तो हम लिखते राम बाजार जाता है। तो जो जाने की क्रिया उसके हिसाब से क्रिया में भी बदलाव आ जाता। तो ये ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, हमें सबसे पहले क्रिया को देखना है कि किसके लिंग के साथ ये है। अगर स्त्रीलिंग के साथ तो हम लिखेंगे जाती है, अगर पुल्लिंग के साथ है तो हम लिखेंगे जाता है। तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसका हमें संज्ञा का लिंग को ध्यान देने की चीज है, क्योंकि क्रिया उसी के अनुसार बदलती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि लड़की दौड़ती है लेकिन लड़का दौड़ता है, तो क्रिया में हम दौड़ती है केवल स्त्रीलिंग के साथ ही लगाएंगे और पुल्लिंग के साथ दौड़ता है। तो ये क्रिया का में बदलाव होता है किसके अनुसार? संज्ञा के लिंग के अनुसार। किसके अनुसार? संज्ञा के लिंग के अनुसार। तो ये अब हमने पढ़ के इसको समझ भी लिया। दो शब्द और हैं, इसको भी लिख लेते हैं। तीसरा है हमारा सोना। तो मैंने आपको बताया था सोना भी क्रिया है, कोई ये ना समझे कि सोना तो कोई काम नहीं है,
इसमें तो आदमी इंतजार आराम कर रहा है, तो ये गलत है। सोना भी क्रिया है, जागना भी क्रिया है। वो सोना है, दादी जी पलंग पर सोती हैं, हम दादी जी सिटिंग है इसलिए हम लिखेंगे सोती हैं। दादी जी पलंग पर सोती हैं। तो यहां पे हमने क्या लिखा, सोती है, तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो जो चीज नहीं लिखा है, रिक्त स्थान को मैंने रेड इंक से रेखांकित कर दिया, लाइन खींच दी है, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। आपके पाठ जो व्याकरण पुस्तक में यहां तक लिखा है दादी जी पलंग पर, इसके बाद में रिक्त स्थान बना है, तो आपको केवल इतना लिखना है सोती है। तो यहां भी देखा दादी जी स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के साथ सोती है, ठीक है, एक क्रिया में बदलाव इस तरह से आएगा। और हमारा आखिरी है लिखना, इसको करते हैं। लिखना भी एक क्रिया है, लिखना हरी पत्र, अब हरी क्या है, पुलिंग, हरी पत्र, तो यहां लिखती नहीं लिखेंगे, लिखता, लिखता है। तो आपको आपने देखा कि हरी यहां पे पुलिंग है, तो इसीलिए हमने क्रिया में क्या बदलाव किया है, हमने लिखा है लिखता है। बहुत ही सरल है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, इसको फिर से देख लेते हैं बच्चों। इसके अंदर हमें संज्ञा का लिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि संज्ञा के लिंग के अनुसार क्रिया बदलती है। हमने आपने इसको उदाहरण में भी देखा है कि जब हम बोलते हैं कि लड़की नाचती है, यहां नाचने की क्रिया हो रही, और जब लड़के की बारी आती है हम कहते हैं लड़का नाचता है। कभी ये नहीं कहते हैं कि लड़का नाचती है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि लड़का पुलिंग है, इसीलिए हमें क्रिया भी लड़के के अनुसार ही बदल करके लिखनी पड़ेगी। तो ठीक उसी तरह हमने ये किया है, यहाँ आप देख भी सकते हो, लिखना, लिखना एक क्रिया है, हरी पत्र लिखता है। अगर यहाँ पे कमला होती हरी के स्थान पे, तो हम लिखते कमला पत्र लिखती है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि क्रिया संज्ञा के लिंग के अनुसार बदल जाती है, हमें क्रिया लिखते समय संज्ञा का लिंग भी देखना चाहिए, नहीं तो वाक्य गलत हो जाए। तो यहाँ पे यही हमें समझाया गया है चौथे प्रश्न में कि बच्चों अगर आपको कोई वाक्य लिखना है तो क्रिया संज्ञा के लिंग के अनुसार बदल जा रहे हैं, तो ये आपको अब अच्छी तरह से समझ आ गया, अब इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है। सुनाना, माँ कहानी सुनाती है, तो यहां पे सुनाती इनके क्रिया के लिंग के अनुसार सीता बाजार जाती है, सीता है बाजार जाती है। अगर राम होता राम बाजार जाता है, तो अब हम आराम से पहचान लेते हैं कि क्रिया का है जो वो संज्ञा के लिंग के अनुसार बदल जाती है, और हमें क्रिया लिखते समय संज्ञा के लिंग को भी ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो हमारी क्रिया जो है वो गलत भी हो सकती है। ये बहुत आसान है, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। माँ कहानी सुनाती है,
सीता बाजार जाती है, दादी जी पलंग पर सोती हैं, हरी पत्र लिखता है। तो ये सम्मान देने के लिए है लिखा गया है, दादी जी एक ही हैं, फिर भी लिख रहे हैं दादी जी पलंग पर सोती हैं, तो ये आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए है लिखा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, एक और प्रश्न बचा है क्रियाकलाप, उसको हम कल करेंगे।